लोकसभा चुनावों के भावी प्रत्याशी सतीश राज देशवाल इन दिनों अपने चुनावी अभियान के तहत बारी बारी से अलग अलग गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सतीश राज देशवाल ने आज जुलाना हलके के कई गांवों का दौरा किया। गांव में पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। उन्होंने आजाद उम्मीदवार के तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में बिगुल बजाने की तैयारी जोर शोर से कर दी है। इन दिनों सतीश राज देशवाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क अभियान के तहत मुलाकात कर रहे हैं और जनता के सामने तमाम राजनीतिक दलों की पोल भी खोल रहे हैं। वहीं हर तरफ उन्हें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। देशवाल का कहना है कि आज समाज में हर तरफ कई तरह की बीमारियां फैली हैं। जातिवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी कुछ इसी तरह की बीमारियां हैं। बीमारी भेदभाव की, भ्रष्टाचार की, पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लोगों को बांटने बीमारी। हर बीमारी का इलाज है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी सोच दे, अच्छे संस्कार दे, देशभक्ति का पाठ पढ़ाए और कंपटीशन की भावना दे, क्योंकि जमाना कंपटीशन का है। कहीं पे भी जाएंगे कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। क्या सिस्टम खराब कर रखा आपके सामने है? स्कूलों के हालात आप सब समझते हो। कहा हमारे बच्चे क्या पढ़ाई हो रही वहां पे और कहां तक पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने व्यवस्था ऐसी बना दी कि एग्जाम ही नहीं लेना, बस ऐसे ही पास करते चले जाओ। इन्होंने व्यवस्था ऐसी बना दी कि खाली खाना खाने जाना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चाहता ही नहीं हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, ये चाहता ही नहीं हमारे गांव समृद्ध बने, ये चाहता ही नहीं कि हमारे गांव का भी भला हो। 45% हमारे लोग किसान भाई, अन्नदाता भाई हमारे खेती में लगे हुए, उनकी भलाई की तरफ कोई ध्यान नहीं, ये खाली लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। वहीं चुनावी समय नजदीक आते ही अलग अलग पार्टियों के नेता गांव के लोगों को अपनी झूठी सियासत के बलबूते पर वोट मांगने का काम करेंगे। उनका मानना है कि भोली भाली जनता को ऐसे नेता सिर्फ अपना वोट बैंक समझते हैं। समाज को जाति पाति के नाम पर बांटने के बाद झूठे दावों और वादों में फंसाने की कोशिश करते हैं। किसी भी पार्टी का ध्यान समाज की दशा और दिशा को ठीक करने पर नहीं होता। जनता से वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं और फिर 5 साल तक जनता के बीच आकर नहीं झांकते। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अच्छे आदमी को ही वोट दें, नहीं तो 2 मिनट के उनके वोट के प्रयोग से कोई गलत आदमी चुना जाएगा और 5 साल तक फिर से दुर्दशा होगी। पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा खाली वोट लेने का, हमने तो समझ रखे हैं ना, वोट बैंक, हम वोट बैंक हैं उनके, खाली आवेंगे वोट लेंगे, 5 साल तक दोबारा नहीं वोट, 5 साल बाद पहले फिर आ जाएंगे, 2-1 दिन पहले, 5-7 दिन पहले, हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, और एक दिन आओगा, एक दिन में भी 1 मिनट आओगा, और वो 1 मिनट गलत चला गया फिर 5 साल पाछे। इनको सबक सिखाने की जरूरत है और मैं यकीन से सोनीपत से सबक सिखाना चाहता हूँ। पूरे 543 लोकसभा क्षेत्र में मैसेज देना चाहता हूँ कि सांसद का मतलब क्या है, सांसद की ड्यूटी क्या होती है, सांसद के कार्य क्या होते हैं, विधायक के कार्य क्या होते हैं। इन्हें अपने कार्य समझ में ना है, काय का कार्य है, इनको कोई मतलब है नहीं, अपनी पार्टी का जयकारा, अपनी पार्टी के झंडे को मतलब है ना, सोचना पड़ेगा कहां हमारा भविष्य है, कहां बच्चों की बातें हैं। इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं, आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबसे साथ और सहयोग मांगने के लिए आया हूं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में सतीश राज देशवाल तमाम राजनीतिक दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।